प्लीज 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 मैडम इतनी सी बात मान लीजिए. आई प्रॉमिस इसके बाद कभी आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी, जिद नहीं करूंगी. इतनी सी बात मान लीजिए मैडम, सबसे मिल लीजिए प्लीज. हाँ मैडम मिल लीजिए, आई ऑल्सो प्रॉमिस. का मिल लीजिए और काहे मिल लीजिए और काहे माने हम तुम्हारी बात. इतना मेहनत किया, पूरा केस सॉल्व किया और हमें थोड़ा भी क्रेडिट नहीं दिया मैडम सर ने. हाँ सीनियर ना हो, सीनियर होने का हम पे ठोस जमा रही हैं. मैडम सर हमारे लिए, हमारी खातिर, अपनी पुष्पी की खातिर एक बार मिल लीजिए ना, बस एक बार मिलने में क्या ही जाता है. पुष्पा जी प्लीज देखिए मैडम, आप एक बार जाइए तो सही, मिलने के लिए अच्छा ना लगे तो वापस आ जाना. कौन सा मैडम सर आपको बांध कर रखेंगी. प्लीज मैडम आपको मेरी कसम. हमारी भी कसम. तुमको तुम्हारे तंदूर पे सेक देंगे समझे, तुम तुम्हारा तंदूरी इकबाल बना देंगे हम. निकलो यहाँ से. ये देखो पकड़ में बिल्ला चोर. तभी हम सोचे दो दिन से हमारी बिरयानी कहाँ गायब हो रही है. मैडम देखो चोर को. नहीं मैं चोर नहीं, मैं तो चोर था, अभी मैं सुधर गया हूँ. ये तो मैं बिरयानी इसका धंधा कर रहा था, बेच रहा था मैं ये थिएटर के बाहर ब्लैक ब्लैक. देखो जो भी प्रॉफिट आएगा हम आधा आधा बांट लेंगे. कितना प्रॉफिट हुआ है अभी तो लॉस हुआ है. ए बाप निकलो यहाँ से. रख के बिरयानी रख के निकलते हैं. ये रखी बिरयानी. मैडम अब तो मैंने कसम दी है, प्लीज ना मत बोलिए. वैसे भी आजकल मेरी तबीयत ना ऐसे ठीक नहीं चल रही, जुकाम का बहुत हो रहा है. हाँ मैं जानती थी आप हाँ ही बोलेंगी, आप मेरी बात कभी टाल ही नहीं सकती है. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए. बस एक बार मैडम सर से मिल लीजिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. पुष्पा जी आप हमारी बात समझिए. देखिए एक तो आप हमसे उम्र में बड़ी हैं, थोड़ी सी. हाँ थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन इसीलिए हम आपकी कोई भी बात टाल नहीं सकते. आपको ऐसा लगता है कि हमारे और करिश्मा सिंह के मिल लेने से, बात कर लेने से आपसी मन मुटाव खत्म हो जाएगा, लेकिन हम जितना करिश्मा सिंह को जानते हैं उनके जहन से किसी भी बात को इतनी आसानी से निकालना मुमकिन नहीं है. मैडम सर आप ही तो कहती है ना बातचीत से ही सारे मसले हल हो जाते हैं, कहती है ना आप ही, तो फिर मिल लीजिए ना, एक बार मिल लेने में क्या जाता है. अच्छा ठीक है मिल लेते हैं. ओके मैडम सर को सही पता दिया था ना आपने, तो अब तक आई क्यों नहीं. अरे बस आती होंगे तुम डरो मत. काफी वक्त पहले हमने आपसे एक बार कहा था कि हम भी एक जमाने में आप ही की तरह हुआ करते थे. हर छोटी बात पर गुस्सा, मारा मारी, वायलेंस. हमारे लिए एक स्लोगन भी फेमस था कि अच्छे अच्छों को आ जाए पसीना जब अपने पर आ जाए हसीना. जी याद है. वायलेंस की जगह जज्बात ने कैसे ले ली आज हम आपको बताते हैं कैसे. रतनपुर थाने में हमारी पोस्टिंग थी, वहाँ एक रात अचानक हमें एक फोन कॉल आया कि पासी के झुग्गी झोपड़ी के कुछ बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर पर कब्जा कर लिया है. बंदूक की नोक पर उन्होंने वहाँ के मैनेजर को, स्टाफ को, उस मालिक को, सबको हॉस्टेज बना लिया है. हमें बहुत गुस्सा आया. हमारे पास जो भी अवेलेबल फोर्स थी उसे लेकर हम गुस्से में वहाँ पहुँचे, मेडिकल स्टोर के अंदर घुसे और घसीटते हुए उन सारे लड़कों को बाहर लेकर आए, चार्जशीट फाइल की और उन्हें जेल भी भिजवा दिया. जब हम उन लड़कों को घसीटते हुए बाहर ला रहे थे ना, उनमें से एक लड़का बार बार हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त हम इतने ज्यादा गुस्से में थे कि हमने उसकी एक भी बात नहीं सुनी. कुछ दिनों बाद हमारे पास ये खबर आई कि उनमें से एक लड़का, उसकी माँ बीमार थी, किसी ने उसकी मदद नहीं की. इस बात से गुस्सा होकर उसके दोस्तों ने यह तय किया कि हम कहीं से एक हथियार उठाएंगे और उस दवाई को मेडिकल स्टोर से चोरी कर लेंगे. लड़के तो जेल चले गए, लेकिन दवा ना मिलने की वजह से उस लड़के की मां की मौत हो गई. अब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि ऑफ कोर्स हम हमारी ड्यूटी कर रहे थे. हम आज भी यही सोचते हैं कि काश उस वक्त थोड़ी सी देर के लिए हमने अपने गुस्से पर काबू कर लिया होता तो आज उस लड़के की माँ जिंदा होती.
करिश्मा सिंह, हम आपकी बहुत परवाह करते हैं, इसलिए हम आपको इतना समझाते हैं, कहीं आपको उस दर्द से ना गुजरना पड़े जिससे हम गुजर रहे हैं। हम समझ रहे हैं मैडम सर, आपका आपका डर भी और हमारे लिए आपकी चिंता भी। पर बात जरूर हमारे रवैये से शुरू हुआ था, लेकिन चोट आपके रवैये ने हमको बचाई है। अच्छा, और उसके पहले सड़क पर मारपीट किसने की थी? हमने भरे थाने में सबके सामने हमारी इज्जत की मैया की सासू मैया हमने आपकी की थी मैडम सर, या आपने हमारी की थी? हम ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे, ये किसने कहा था? हमने? हाँ हमने कहा था, लेकिन दिल से कहा था। तो हमने भी आपकी कोई इज्जत की मैया की सासू मैया नहीं की थी करिश्मा सिंह, जो सच है वो कहा था। इसका मतलब आप मानती कि हम धोखेबाज हैं, हमने गलती किया है, हम मुखबिर हैं, हमने ड्रग्स का बात लीक किया है, हम ही हैं जो यहाँ की बातें वहाँ करते हैं, और हम ही हैं जो छल कर रहे हैं आपके साथ और उस थाने के साथ? हमने कब कहा? आपने सबके सामने थाने में हमारी आंखों में आंखें देखकर कहा था मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप भूल रही हैं कि आप अपने सीनियर से मुखातिब हैं। यही अपने सीनियर होने का आप हमेशा हम पे रौब जमाती है, और उर्दू के भारी भारी लफ्ज बोल के आप हमें दबा देती है। लेकिन मैडम सर आप भी सुन लीजिए, इस बार जो आपने कहा है ना वो हमारे यहाँ पर लगा है सीधा दिल पर, और इसकी भरपाई जल्दी नहीं होगी। आपको जो सोचना है सोचिए, आपको जो करना है कीजिए, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हमें भी नहीं आना था यहाँ पे, वैसे भी मैं संतू ने कहा इसलिए हम यहाँ आ गए। तो हमें कौन सा शौक था, हमें भी पुष्पा जी ने। अरे क्या मुंह बना रहे हैं दीवान जी, क्या हुआ? 200। अब ये मशीन देखा तो उनकी याद आ गई। याद आ गई मतलब दीवान जी? अब कहाँ रहे? सॉरी दीवान जी। अरे नहीं नहीं सर, शानपुर से शिफ्ट हो गए, फरीदाबाद चले गए, फूफा तो है अभी। दीवान जी आप मेरा बीपी चेक कर रहे थे ना? चेक तो कर रहा हूँ सर, पर यहाँ जो देख रहा हूँ ना बिल्कुल सही नहीं है, खत्म, डेड। क्या बात कर रहे हैं दीवान जी, क्या खत्म क्या डेड? सर ये मशीन खत्म, काम ही नहीं कर रही है। आपके चेले की पहले लगी पड़ी और आपको कॉमेडी की सूझ रही है दीवान जी? अरे ये नहीं कि कोई ढंग का आइडिया बताइए हमें, ताकि कुछ ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो जाए कि ये थाना हमारे हाथ लग जाए, और हमारी दीदी को ये ना पता चल पाए कि हमने झूठ बोला था कि ये थाना हमारा हो चुका है, और वो हसीना मलिक अपनी टीम को समेट के यहाँ से जा चुकी है। सर एक बात समझिए, जंग में जीत मायने रखती है, तरीका नहीं। आपके तरीके से नहीं जीतना है हमें ये थाना, आपके तरीके आप अपने पास रखिए। अरे जो काबिल होगा उसे मिल जाएगा थाना, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके लिए हमारा जमीर गवारा ना देता। वाह सर वाह, अब तो आपकी जबान भी हसीना मैडम जैसी हो गई, गवारा जमीर। सॉरी सर, ये सोच के साथ ये थाना तो क्या, आपको इस थाने को पाने का सपना भी नहीं नसीब होगा। दीवान जी शायद आप भूल रहे हैं, लड़ाई थाना हासिल करने की नहीं, इन औरतों को एहसास दिलाने की है कि हम मर्द भी कुछ हैं, हम भी बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। दीवान जी ये लड़ाई है अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की, और हम ये करके रहेंगे। आप जाइए, हमें कुछ सोचने दीजिए, हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी तो हम जा रहे हैं। और हाँ, जाते जाते आपको एक बात याद दिला दे, कुछ ही दिनों में आपके यहाँ पर कोई आ रहा है, आपकी दीदी और शायद आपके पापा भी। उनके आने से पहले अगर ये थाना आपका नहीं हुआ तो सोच लीजिएगा क्या होगा। हसीना मैडम कहाँ है? आप हमारी कंप्लेंट लिखे ना, क्योंकि हम बड़ी दिक्कत में हैं। अरे सुमन दीदी आप यहाँ क्या कर रही? रपट लिखाने आए थे। अरे तो मुझे बोल दिया होता, थाने में आने की क्या जरूरत थी? हम क्या बताएं सर, आप जानते हैं ना? अरे दीवान जी सुमन दीदी हैं, आजकल बंटी और घर को यही संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं, थोड़े दिन पहले इन्हें रखा था। अब दीदी मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, यूं सॉल्व कर दूंगा। नहीं, आपसे घर के पर्दे नहीं धुलते हैं, आप हमारी प्रॉब्लम का क्या पर्दाफाश करेंगे? रहने दीजिए, ये मामला किसी महिला ऑफिसर को ही संभालने दीजिए। सर आपकी कुंडली में औरतों से इज्जत लिखी नहीं, ये भी? बैठी बैठी बताइए क्या समस्या आ रही है। जय मैडम। जय जय, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। बताइए। घर में चोरी हुई है,
क्या? तो दीदी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं, आपके नहीं, हमारे घर में चोरी हुई है। 2 महीने पहले मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ था। अभी अभी कुछ दिनों बाद उसकी सगाई होने वाली है। उसी सगाई के लिए हमने एक अंगूठी खरीदी थी। उसी अंगूठी की चोरी हो गई है। लड़कों वालों ने डिमांड की थी कि उनको कीमती वाली महंगी वाली अंगूठी ही चाहिए। अब अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। दया कीजिए, मेरी बेटी का रिश्ता टूटने से बचाइए ना। नहीं नहीं नहीं, आप शांत हो जाइए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिसने भी आपकी बेटी की अंगूठी चुराई है ना, उसके हलक में हाथ डालकर वो अंगूठी हम वापस लेकर आएंगे और आपको देंगे। लेकिन हमें एक बात का बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है, वो ये कि सगाई में जो इतना महंगा अंगूठी डिमांड कर रहे हैं, शादी में तो आपकी खाली खींच लेंगे वो लोग। नहीं मतलब ऐसे लालची लोग, इतने लोभी लोग, इनकी सुताई होनी चाहिए मार्केट में सबके सामने। ऐसे कोई दहेज कैसे मांग सकता है, आप समझ रहे हैं? और नहीं तो क्या, पता है आपको हमने हमारे लल्ला की शादी में ना 1 रुपया तक दहेज नहीं मांगा। हाँ ठीक है, हाँ तो हम ये कह रहे थे कि उनको मार मार के ना ऐसा। मतलब आपकी बेटी का पूरा जीवन का सवाल है, तो इसलिए हम थोड़ा मतलब बीच में ऐसे दखल नहीं कर रहे थे, सिर्फ पूछ रहे थे आपसे। आपको किसी पर शक है? कोई आपका दुश्मन या फिर कोई घर का सदस्य जो ऐसा काम कर सकता हो? नहीं, यही तो समस्या है। सबसे ज्यादा पीड़ा वो इंसान दे देता है जिससे आप मलहम का उम्मीद करते हैं। आपके भरोसे का ना पुंगी बजा देता है वो इंसान, और वो इतना असहनीय दर्द होता है ना कि कोई भी मलहम उसका इलाज नहीं कर पाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, हम इनसे बिल्कुल 100% अग्री करते हैं। वो क्या है ना कि रिश्तों की इमारत बनावटी ईंट पर नहीं भरोसे की नींव पर बननी चाहिए। अगर भरोसा नहीं रहा तो एक न एक दिन वो इमारत और वो रिश्ता टूट ही जाएगा ना। योगी, आप लोग क्या कह रहे हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संतोष शर्मा, ये केस अब आप हैंडल करेंगी। तफ्तीश कीजिए और देखिए क्या पता चलता है। दीदी आप मुझे बताइए ना, कब हुआ ये सब? देखा सर, देखा आपने, आपके रहते हुए भी ये केस का जांच संतोष शर्मा को दे दिया। हाँ तो आप ही की तो करतूत का नतीजा है ये दीवान जी। ना ही आपने बेचारी करिश्मा सिंह की वीडियो को अपलोड किया होता ना। सर धीरे धीरे बोलिए। ना ही आपने वीडियो अपलोड की होती, ना ही हसीना और करिश्मा सिंह के बीच में दरार पड़ती, और ना ही इस थाने में ऐसी नेगेटिविटी फैलती दीवान जी। अरे दीवान जी, हमें थाना जीतना है, ऐसे सियासती खेल से इस थाने की मासूमियत नहीं छीननी है हमें। हम ऐसे लगते हैं क्या, क्यों किया आपने ये सब? सर आप ऐसे नहीं है, पर प्लीज धीरे से बोलिए ना सर, अगर किसी ने सुन लिया ना तो आज ही मेरा ट्रांसफर या लाइन हाजिरी हो जाएगी सर। किसी लायक हैं आप, अगर हमारे गुरु नहीं होते ना तो हम खुद आपकी लाइन हाजिर करते। क्या बालों के साथ साथ अपने इंसानियत और शराफत के उसमें भी डाई मार ली है, जो इतनी काली काली घटिया हरकतों पर उतर आए हैं? सर नीचे है वो फाइल। सर देखिए सर, हमें नहीं पता था कि बात इतने आगे तक बढ़ जाएगी, और सर हम मानते हैं कि हमारा प्लान मजबूत नहीं था, लेकिन उनकी दोस्ती भी तो कमजोर थी ना सर। सर बिना भरोसे की दोस्ती और बिना आत्मा का शरीर। मतलब कहां से आ रही है आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी दीवान जी? कोई शहर में नया दोस्त बना? नहीं नहीं सर, कोई दोस्त नहीं बना। सर हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती नहीं दीवान जी, पाप कहते हैं इसे। हाँ ठीक है सर, पाप ही कह लीजिए, पर सर इस पाप को धोने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया हुआ है सर। ये आइडिया अप्लाई करने से सर आपकी बीबी आने से पहले ये थाना आपके कब्जे में होगा। आपके सर एक बार बात सुन तो दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक औरत के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बोलिए बोलिए क्या होती है? उसकी पहचान? नहीं सर, उसका घर, उसका पति, उसकी घर गृहस्थी। सर जस्ट सोचिए, अगर हसीना मैडम के जीवन में कोई आ जाए, उनकी शादी हो जाए, उनका पति हो, बच्चा हो, तो सर कहाँ वक्त मिलने वाला है उनको, कहाँ वो बेफिजूल की थाने को जीतने की लड़ाई लड़ने वाली है। तो सर अगर एक बार अपना पति, अपना बच्चे, उन सब में बिजी हो गई तो क्या क्या दीवान जी,
तो सर आपको बस इतना करना है कि आपको हसीना मैडम को शादी के लिए मनाना है। अगर एक बार हसीना मैडम की शादी हो गई तो हमारे रास्ते से हमेशा के लिए काटा साफ, और ये थाना पूरा आपके अंडर में। ग्रेट, शादी जो एक दिन सभी को करनी है। जी सर। और शादी के बाद ऐसे कॉम्पिटिशन्स पे ध्यान किसका जाता है दीवान जी? बिल्कुल। और एक बार शादी हो गई तो कौन ऐसे पचड़ों में पड़ेगा ना। राइट सर। अरे इसे कहते हैं ना पॉजिटिव प्लान। अरे अब तो मानिए, कोशिश करें तो कुछ अच्छा सोच सकते हैं आप। तो मतलब अगर दीदी के आने से पहले हसीना मलिक की शादी हो जाती है तो वो जाएंगी हनीमून अपने पति के साथ, और पापा और दीदी की नजरों में स्थाने का अकेला एसएचओ होऊंगा मैं। अरे दीवान जी, इसी बात में कच्ची दे दीजिए दीवान जी। नहीं सर, छोटी सी। नहीं सर, पिन्नी सी। ना। अरे आइए ना। अरे सर, सर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर नेगेटिव बात, आप हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं हसीना मलिक को? इसे कहते हैं ना प्लानिंग दीवान जी। तो फाइल ठीक से नहीं रखते हैं ये लोग। तुम गई नहीं? काहे? क्या बोलना है? मैडम सर ने जब से ये केस दिया ना मुझे, बहुत खराब लग रहा है मैडम, क्योंकि मुझे आप जैसा बनना है, आप नहीं बनना है। करिश्मा सिंह एक ही है और एक ही रहेगी। मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या स्टार्ट करूं, मैं क्या करूं मैडम। तुम सबसे पहले तो शांत हो जाओ और एक बात अच्छे से जान लो कि कोई किसी की तरह बन भी नहीं सकता संतू, ये असंभव है। अगर ऐसा होता तो हम सबके रूप एक नहीं होते, हम सब अलग अलग काहे हैं, क्योंकि भगवान ने हम सबके रंग स्वरूप अलग अलग करके हमको भेजा है ताकि अपना एक अलग अस्तित्व है, अपनी अलग एक पहचान है, अपना अलग एक रूप है जो दुनिया के सामने आना चाहिए और जो आएगा। शायद इसीलिए मैडम सर ने तुमको ये केस दिया संतू, ताकि तुम स्वतंत्र रूप से इस केस को सॉल्व कर सको और दुनिया को दिखा सको कि तुम अकेली सक्षम हो इस केस को सॉल्व करने के लिए और तुम किसी से कम नहीं हो। समझे हमारी बात? बाकी जब तुम ये केस सॉल्व कर लोगी तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा संतू। नहीं नहीं, ये समय बिल्कुल भावुक होने का नहीं है संतू, तुम इधर आओ हमारे साथ। ये देखो, ये देखो, चाची को देख के लगा था कि ये सोशल मीडिया पर होगी, पर ये सोशल मीडिया पर है तुम्हारी आंखों के सामने। पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प बन गया संतू, क्योंकि जब हमने थोड़ा जांचा तो हमें पता चला ये वाकई अपनी बेटी से बहुत ज्यादा करीब है और जान छिड़कती है उस पर। तो अगर हम तुम्हारी जगह होते ना संतू, तो अपनी जांच पड़ताल इसी केंद्र बिंदु से करते। केंद्र बिंदु? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट। हम उसके घर जाते, हम पता लगाते, आस पड़ोसी से पूछते, पूरे पुरानी खाल उदेड़ते। हो सकता है हमारे हाथ में नया अंकुर आता जो असली जड़ होता इस समस्या का। क्या समझे? समझ गई मैडम। तो फिर काम पर लगो। लव यू। लव यू। हे भगवान, सब कुछ जल्दी से फिर से पहले जैसा कर दीजिए। हसीना मैडम और करिश्मा मैडम का पैचअप करा दो प्लीज। कोई तो रास्ता निकालिए प्लीज प्लीज प्लीज। जाओ ना अब। जय हिंद। जय हिंद। अरे भैया, कितनी बार प्लीज बोले हाँ, अरे कितनी मिन्नतें कर चुके हैं सबको, लेकिन किसी को पड़ी ही नहीं है। पता नहीं हसीना सबके कान में क्या बोल जाती है, सबका दिमाग ही फिर जाता है, सब लड़का ढूंढना ही बंद कर देते। प्लीज भैया प्लीज, आप तो कोई ढंग का लड़का ढूंढ के दीजिए हमारी हसीना के लिए। हाँ ढूंढ दीजिए। ढूंढ दिया मैडम, ऐसा कंचा लड़का ढूंढ के निकाला है कि लेफ्ट साइड से प्रोफाइल देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो ऋतिक, राइट साइड से प्रोफाइल देखेंगे तो कहेंगे अरे रणवीर सिंह, फ्रंट से अक्षय, बैक से अजय, आते हुए संजय, जाते हुए रणवीर।
अरे लेकिन रणबीर की तो शादी हो चुकी है ना, इसीलिए तो जाते हुए बोला। अच्छा, लेकिन कैरेक्टर हीरो जैसा है या फिर नवाजुद्दीन? कैरेक्टर कैसा? सीधा लॉन्ड्री से धुल कर आया मैडम, एकदम बेदाग, छक सफेद, क्लीन। अरे तो इंतजार किस बात का, बात को आगे बढ़ाइए बस। बात आगे बढ़ाइए? बात आगे बढ़ चुकी है मैडम, मैंने उसे आपके घर का एड्रेस दे दिया, लड़का आपसे मिलने आपके घर आता ही होगा। अच्छा, मिल के जांच परख लीजिए, समझ में आए तो टोकन टिका दीजिएगा। ठीक है, टोकन? अरे नेक वेक कुछ हाथ पर रख दीजिएगा, लड़का हाथ से नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। अरे घंटी बजी, लगता है लड़का आ गया। मेरा भेजा हुआ लड़का? हाँ बाद में बात करते, वही वो आ गया लगता है। हाँ नमस्ते बाजी।